इनफैक्ट स्टोरी बहुत ही अलग है, बहुत ही डिफरेंट स्टोरी है. और इसमें मैं आर्मी में नहीं हूँ, मैं एक जूनियर ब्यूरोक्रेट हूँ जो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में काम करता हूँ. आई थिंक 3-4 साल पहले आया था. मुझे हमेशा से ये मुझे गर्व तो था ही, क्योंकि मैं 1998 में मेरे सामने हुआ था ये. इसमें जो फिक्शनल चीज़ है वो मेरा कैरेक्टर है जो फिक्शनल है. मेरे अलावा कलम साहब का नाम या चिदम्बरम जो उस वक्त पे साइंटिस्ट थे, काकोडकर साहब, जितने सारे लोग थे इन्वॉल्व इस मिशन में, उनका नाम हमने चेंज किया बिकॉज यू गेट इनटू अ बायोपिक इश्यू, राइट्स इश्यू, तो नाम चेंज किए. बट द फिल्म इज डेडिकेटेड टू कलाम साहब एंड वी आर वेरी प्राउड टू से दैट इट इज डेडिकेटेड टू हिम एंड ऑफकोर्स वाजपेयी जी हु एक्चुअली द बोथ ऑफ देम हु प्लान दिस टुगेदर. सो आई थिंक इट्स अ वेरी इट वॉज मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंस के बाद अगर एक डिफाइनिंग इवेंट था इंडिया में, इट इज़ द पोखरण टेस्ट दैट हैपेंड इन 98. और इनफैक्ट डेफिनेटली हमारे सोल्जर्स और साइंटिस्ट को, हमारे BRC DRDO के जितने लोग हैं उनको हम दिखाना चाहते हैं फिल्म. लेकिन क्योंकि इतने सारे कॉन्ट्रोवर्सीज थे और हमारे पास हमें बहुत कम टाइम मिला है प्रमोशन के लिए, we will show as many people as possible. We are very thankful to the honorable high court of Mumbai for actually, and judge Kathawala for, you know, giving a decision in our favor. So we believe in the judiciary system.